हम तुम्हें सिर्फ ये बतलाने आए हैं, अगर तुमने हमारे तिरंगे के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ वर्नौलीज थ्योरम। तो आइए देखते हैं पहला कंसेप्ट, वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर में एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप होता है और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। फ्लो करने वाले लिक्विड की डेंसिटी रो है और ये हमारा लिक्विड जो है आइडियल है। यहां पर वेंचुरी मीटर में जो है वाटर का लेवल ज्यादा है, यहां पे वाटर का लेवल कम है, मतलब वाटर के लेवल में जो डिफरेंस है वो H का है। अब इस डिवाइस के बारे में देखते हैं। देखिए, इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप। तो मतलब इस डिवाइस की सहायता से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम लोग फाइंड करेंगे, और फाइंड करने का दो तरीका है, एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एक बर्नौलीज थ्योरम। तो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट 1 एंड 2, मतलब इसे 1 मान रहे हैं, इसे 2, इस पर जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को लगाते हैं। तो ये फार्मूला है A1V1 = A2V2। मान लेते हैं A1V1 और A2 आपको फाइंड है, V2 अननोन है, तो यहां से ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा V2। तो V2 = हो जाएगा A1/A2 × V1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो 4 में से अगर 3 जानकारी यहां पर है तो एक अननोन होगा, तो हमको यहां से पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रेशर डिफरेंस पता होगा तो ऐसे केस में यहां से काम चलने वाला नहीं है, बर्नौलीज थ्योरम को भी लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, यहां पे देखा जाए तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर अप्लाई किया जाए, तो P1 + ½ρ V1² = P2 + ½ρ V2². ρgH1 ρgH2 नहीं लिखा गया क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल है। तो P1 - P2 = यहां पे देखा जाए ½ρ V1² उस तरफ ले गए हैं, तो यह नेगेटिव हो गया है। अब यहां पे V2² के स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो आ गया ½ρ और A1/A2² × V1², और ये वाला इधर है। अब ½ρ V1² यहां भी है, ½ρ V1² यहां पर भी है। अब ये कॉमन ले लिया गया है, ½ρ V1² कॉमन ले लिए तो इन ब्रेकर जो मिल रहा है A1/A2² - 1 हमको मिल रहा है। यहां देखिए प्रेशर डिफरेंस P1 - P2 के स्थान लिख सकते हैं ρgH। अब ये आया कहां से होगा, अगर ये देखना चाहते तो यहां पे देखिए, यहां पे जो आपका प्रेशर होगा P1 = P0 + ρgH1 होगा, और यहां पर जो प्रेशर होगा वो होगा P2 = P0 + ρgH2 होगा। H2 ये लेवल लेंगे और H1 ये लेवल, तो H1 में से जब H2 घटाएंगे तो जो हाइट बचेगा वो H ही बचेगा, तो H1 - H2 के स्थान में क्या लिखेंगे हम, H लिखेंगे, वही यहां पे लिखा गया है। देखिए रो से रो कैंसिल हो गया, ये दोनों तरफ है। अब दो से यहां प्रोडक्ट करेंगे, यहां पे देखिए 2GH = V1² बाहर ले लिए, इन ब्रेकर मिल रहा है A1² - A2² / A2² तो हमें V1 चाहिए, तो V1² = इतना अपान इतना करेंगे तो A2 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा। तो V1² = हमको मिल रहा है 2GH (A2² / A1² - A2² तो V1 = रूट लगाएंगे, जाहिर कि A2² का रूट निकल जाएगा A2 बाहर, अब ये दोनों रूट में हो जाएंगे, तो V1 = आया A2 √2GH / A1² - A2² अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें V1 के स्थान पे, तो V2 ही पता चल जाएगा। तो V2 = आया जाएगा
ए वन अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। यहां पे आपको ये ध्यान देना है, ये तो सेम है दोनों में, अगर वी वन पूछा है तो यहां ए टू लिखना होगा, अगर वी टू पूछा है तो यहां ए वन लिखना होगा। तो रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए कुछ और जगह की आवश्यकता होगी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड और देख लिया जाए। इफ क्यू बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, देन क्यू इक्वल टू ए वन वी वन इक्वल टू क्या, ए टू वी टू। अब ये वी वन की वैल्यू अगर यहां पे रखेंगे तो आपका यही चीज मिल जाएगा, ए वन ए टू अंडर टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। इसमें आप वी टू की वैल्यू रखेंगे तब भी वही आएगा, इस वाले में अगर वी टू की वैल्यू रख देंगे तब भी यही आएगा, कि दोनों दशाओं में रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्यू इक्वल टू होता है ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब इस फार्मूले से यहां पता तो चलता है, देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे ए वन इंटू इतना है, तो ए वन की वैल्यू ए टू से क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर है कि वी टू की वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब ये हमारा है, जहां पे क्रॉस सेक्शन कम है वहां फ्लूड की वेलोसिटी ज्यादा आएगी, जहां पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पे फ्लूड की वेलोसिटी कम होगी। तो जहां पर फ्लूड की वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए वाटर जो है ज्यादा हाइट तक पहुंचता है। जहां पर एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी जहां पे ज्यादा होगा वहां पे वेंचुरी मीटर में वाटर जो है कम हाइट तक जाएगा, ये चीज ध्यान देना है। तो वेलोसिटी कम है अगर तो प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो कुछ और एप्लीकेशन की चर्चा हम यहां पर करते हैं। हाँ विद्यार्थी, कुछ और एप्लीकेशंस को देखा जाए, तो आज का दूसरा एप्लीकेशन है ग्लोइंग ऑफ टिन रूफ टॉप्स इन विंड स्टॉर्म। मतलब तेज आंधी तूफान जो आता है उसमें टिन शेड प्रायः उड़ जाते हैं मकान के, तो यहां पे देखा जाए जब बहुत तेजी से एयर आएगा तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। जब आंधी तूफान कुछ इस टाइप का आता है तो आप अपने मकान की खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हो, तो अंदर तो प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, जबकि ऊपर एयर की स्पीड बहुत अधिक होने की वजह से ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो ज्यादा प्रेशर से ऊपर प्रेशर की ओर फोर्स लगता है और वो टीन सेट प्राय उठ जाते हैं ऊपर, तो ये चीज होता है, ध्यान दें। एयरक्राफ्ट में भी यही होता है, एयरक्राफ्ट के ब्लेड का जो है शेप ऐसा बनाया जाता है कि वहां पे ऊपर की वेलोसिटी एयर की बहुत ज्यादा होती है और नीचे की वेलोसिटी कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है ऊपर का प्रेशर कम होता है, तो जाहिर है कि एयरक्राफ्ट ऊपर बना रहता है, तो ये चीज ध्यान देना है। ये सभी जो है बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। तीसरा एप्लीकेशन देखा जाए, पुल इन और अट्रैक्शन फोर्स बाय फास्ट मूविंग ट्रेन। तो आप देखे होंगे जब कोई ट्रेन गुजरता है तो लोग कहते हैं कि उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, बहुत सट के करीब नहीं खड़ा होना चाहिए, बहुत सट के खड़ा होने से वहां पर वेलोसिटी बहुत अधिक होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और आप जहां पर खड़े होते हैं वहां प्रेशर ज्यादा होता है, तो जाहिर है कि अट्रैक्शन होता है, ट्रेन की तरफ आप झुक जाएंगे, अगर तेजी से पीछे नहीं जाएंगे तो आप ट्रेन की तरफ झुक जाएंगे, तो वहां खतरा हो सकता है, तो यह भी ध्यान देना चाहिए आपको। चौथा यहां पे देखा जाए, मोशन ऑफ दी पिंग पोंग बॉल। आप चौराहे तिराहे पर फव्वारा में कभी शायद देखे हो कि एक वाटर स्टैच निकलता है, कोई बॉल है जो बीच में टिका रहता है, तो टिका इसलिए रहता है ये फव्वारा, ये पानी फेंकता है तो यहां पर जो प्रेशर होता है स्पीड अधिक होने की वजह से कम हो जाता है, जबकि इसके इधर इधर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये आपकी गेंद जो है
कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की ओर जा नहीं सकता, मजबूरन वो टिका रहता है। जब तक ये फव्वारा चलेगा आपकी ये गेंद बीच में ही टिका रहेगा। तो ये सब है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।